नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इधर निफ्टी में अक्टूबर फ्यूचर का चार्ट ओपन किया है। इधर देखिए वन डे डेली चार्ट है। इधर देखिए ये इसमें सपोर्ट पे आया है, इसे इधर सपोर्ट लिया है 11,201 में, और निफ्टी सपोर्ट लिया है 11,508 में। मतलब इंडेक्स का वो बाद में दिखाऊंगा, मैंने बाई सेल लेवल दे दूंगा। इधर इसको इसका नीचे मतलब 11,180 के नीचे ये आ सकता है 11,124 में, उसके बाद 11,146, उसके बाद 10,957। लगता है ये जो गैप हुआ था, ये जिसका ये जो बुलिश कैंडल, लंबा बुलिश कैंडल जो बनाया था, इसका गैप फिल करके ही ये सपोर्ट लेगा। तो ये देखते हैं हम लोग ऑप्शन चेन में क्या दिखाता है। ऑप्शन चेन में फर्स्टली तो ये ऑप्शन चेन में फर्स्ट ये देखिए पीसीआर रेशियो ऑलमोस्ट लगता है 50% के नीचे चला गया, मैंने राफली बोल रहा हूँ। तो हो सकता है इधर से कॉन्ट्रैक्ट लेके कुछ आप जा सकता है इधर। सॉरी, ये मैंने बैंक निफ्टी का दिखा रहा हूँ, निफ्टी का दिखता है। निफ्टी में लगता है 0.70 ऐसा कुछ होगा, 9 इधर 9 इधर 16, तो ऐसा लगता है कुछ 0.070 ऐसा कुछ होगा, या 0.60, ये 0.50 तक आ सकता है। और इधर 11,000 इधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 11,300 में, इधर सपोर्ट है। और इधर 11,000 इमीडिएट रेजिस्टेंस, तो इमीडिएट सपोर्ट तो 11,100 में है, उसके बाद 11,000 में इसका सपोर्ट है। इधर कॉल साइड पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, लॉन्ग साइड कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो मार्केट का प्रोबेबिलिटी नीचे जाने का ही अभी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी का देखता हूँ, बैंक निफ्टी में भी ऐसा है कि वो निफ्टी का ही पैटर्न बना रहा है। आप लोग भी चार्ट देख, दोनों चार्ट देख ले देखेंगे तो इधर सपोर्ट लिया है 27,778 में, उसके बाद इसका ये तोड़ेगा तो इसके बाद ये 27,604 में आ सकता है, उसके बाद 27,396, उसके बाद ये 27,000 में आ सकता है। और इसका अपसाइड में इसका 28,529 में ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जा सकता है 28,761, उसके बाद 29,000 तक जा सकता है। इसका ऑप्शन चेन में देखते हैं, इधर ऑप्शन चेन में पीसीआर रेशियो मतलब 50% के नीचे चला गया, 0.50 के नीचे चला गया। इधर कॉन्ट्रैक्टेड के वजह से कुछ आप जा सकता है। इधर 28,000 में इमीडिएट सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, और कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, हेवी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इधर शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, इसका वजह से मार्केट ऊपर जा सकता है, बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर जा सकता है। और इधर 27,500 में इसका सपोर्ट है, 27,500 में सपोर्ट है। इधर इधर भी हेवी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो इधर लॉन्ग अनविंडिंग हो सकता है, इसका वजह